अध्याय 8 द 5 AM मेथड द मॉर्निंग रूटीन ऑफ विश्व बिल्डर्स ऑडियो बुक बाय मिलियनेयर माइंड्स। यह दिन के पहले उठना ज़्यादा अच्छी तरह से है क्योंकि ऐसी आदतें स्वास्थ्य, धन और ज्ञान में योगदान करती हैं। अरस्तु। 5 AM क्लब में आपका स्वागत है। जब वह अपने समुन्दर के किनारे के घर से कदमों से नीचे गिरा तो अरबपति बौखला गए। बॉन्जूर, वह गुड मॉर्निंग के लिए क्रियोल है। तुम समय पर बहुत सही हो, मुझे यह पसंद है। समय की पाबंदी रॉयल्टी का गुण है, कम से कम यह मेरी प्लेबुक में है। स्टोन रिले का मेरा नाम। उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने अपने 2 मेहमानों को बधाई देने के लिए हाथ बढ़ाया। फटे पुराने कपड़ों को ट्रिम कटिंग शॉर्टर्स की एक काली जोड़ी और लाइन के साथ एक प्राचीन सफेद टी शर्ट के साथ बदल दिया गया था। जब तक आप काम नहीं करते तब तक कोई विचार काम नहीं करता। वह नंगे पांव थे और साफ सुथरे मुंड बेहद फिट लग रहे थे और उन्होंने एक शानदार सनटैन खेल रखा था जिसके सभी सेमिनार में वे दिखने में कई साल छोटे लगते थे। उसके सिर पर उसने काले रंग की बेसबॉल टोपी पहन रखी थी जो पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। उसकी हरी आंखें अभी भी असामान्य रूप से स्पष्ट थी और उसकी मुस्कान आश्चर्यजनक रूप से उज्जवल थी। हाँ, उस आदमी के बारे में कुछ खास था क्योंकि उद्यमी का होश आ गया था। एक सफेद कबूतर टाइकून के ऊपर मंडराया, लगभग 10 सेकंड तक हवा में तैरता रहा जैसे कि जादू द्वारा निलंबित कर दिया गया हो, फिर वह उड़ गया। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? यह दिखने के लिए एक बहुत चमत्कारी दृश्य था। मैं आप दोनों को गले लगाना चाहता हूं, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो। एक उत्तर के लिए इंतजार किए बिना एक ही समय में उद्यमी और कलाकार ने दोनों को गले लगाया और गले से लपटते हुए उत्साहित थे। भगवान, आप में साहस है। हाँ, आप करते हैं, उसने कहा। आप एक नालायक बूढ़े आदमी पर भरोसा करते थे। कुल अजनबी, मुझे पता है, मैं एक आवारा की तरह लग रहा था। दूसरे दिन, अरे ऐसा नहीं है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मैं कैसा दिखता हूँ। मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि मैं कैसे दिखता हूँ, उन्होंने कहा कि वह अपनी आत्मचेतना की कमी पर हंसते हैं। मैं चीज़ों को वास्तविक रखना पसंद करता हूँ। अच्छा और सरल, पूरी तरह से प्रामाणिक, मुझे उस पुरानी अंतर्दृष्टि के बारे में सोचता है। बहुत सारे पैसे होने से आप अलग अलग नहीं हो जाते। इससे पहले कि आप नकदी बनाने के पहले आप में से कौन है? अरबपति ने समुद्र में झांक कर देखा और एक ताजा भोर की किरणों को अपने ऊपर धोने की अनुमति दी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहराई में सांस ली। उनकी छेनी पेट की मांसपेशियों की आकृति उनकी टी शर्ट के माध्यम से ध्यान देने योग्य थी। इसके बाद उसने अपने काले शॉर्ट्स को पिछली जेब से एक फूल निकाला। ना तो उद्यमी और ना ही कलाकार ने कभी इस तरह का फूल देखा था और यह मिलियनेयर्स की जेब में होने से बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं था। अजीब, फूल अपने काम और निजी जीवन में जादू पैदा करने के लिए गंभीर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मोगुल ने पंखुड़ियों को सूंघते हुए कहा। वैसे भी मैं एक उल्लेख करना चाहता था कि मेरे पिता एक किसान थे। मैं एक खेत में बड़ा हुआ। इससे पहले कि हम दक्षिणी कैलिफोर्निया चले गए, हमने सरल सोचा, सरल बोला, साधारण खाया और दक्षिणी कैलिफोर्निया में चले गए और हमने काफ़ी समय तक साधारण जीवन जिया। आप लड़के को देश से बाहर ले जा सकते हैं, आप जानते हैं, लेकिन आप देश को लड़के से बाहर नहीं निकाल सकते, उन्होंने एक उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि अब बहुत संक्रामक था जबकि उसकी जगह समुद्र पर छाई हुई थी। उद्यमी और कलाकार ने अरबपति का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि उनका साहसिक कार्य अभूतपूर्व था और उन्होंने इस बात का ईमानदारी से उल्लेख किया
की द्वीप और उनका विशिष्ट समुद्र तट उनके द्वारा पहले देखी गई चीजों में एक अधिक सुंदर था। यूटोपिया है ना, अरबपति ने कहा कि वह अपने धूप के चश्मे पर रखता है। मैं धन्य हूँ, यह सुनिश्चित है। मुझे खुशी है कि आप बिल्लियाँ यहाँ हैं। तो क्या यह आपके पिता थे जो आपको सूर्य के साथ उठने की आदत में शामिल कर रहे थे? कलाकार से पूछा कि वे पानी के किनारे पर टहल रहे थे। तीन तितलियों के ऊपर चढ़ने के दौरान एक छोटा केकड़ा दौड़ता है। आश्चर्यजनक रूप से अरबपति चक्कर काटने की तरह घूमने लगे। डेरवेश, जब वह छटपटाया तो उसने इन शब्दों को चिल्लाना शुरू किया। मेरे पास होगा अपने कक्ष के पर्दे पर उत्कीर्ण, यदि आप जल्दी नहीं उठते हैं तो आप कुछ नहीं हैं, प्रगति कर सकते हैं। क्या कर रहे हो? डमी से पूछताछ की। यह विलियम पिट अर्ल ऑफ चैथम का एक उत्कृष्ट उद्धरण है। किसी कारण से मुझे अभी इसे साझा करने के लिए आवश्यकता महसूस हुई। किसी भी तरह मुझे जाने दो, मेरे पिता के बारे में सवाल का जवाब, अरबपति ने अजीब से कहा। हाँ और ना, मैंने उस बचपन की तरह हर सुबह जल्दी उठते हुए देखा। किसी भी अच्छी दिनचर्या के साथ उन्होंने ऐसा कई बार किया कि उनके लिए ऐसा नहीं करना असंभव हो गया। लेकिन अधिकांश बच्चों की तरह मैंने विरोध किया कि मेरे पिताजी मुझे क्या करना चाहते थे। मेरे अंदर हमेशा विद्रोही का कोई ना कोई रूप था। मैं एक तरह से समुद्र डाकू थोड़े ही हूँ। हर दिन मेरे साथ एक छोटी सी लड़ाई लड़ने के बजाय जिसी भी कारण उसने मुझे वही करने दिया जो मैं करना चाहता था। तो मैं सो जाऊंगा देर से। कुल पिता उद्यमी से बात की जो आज सुबह योग गियर में तैयार किया गया था और सावधान नोट लेने के लिए अपने डिवाइस को उसके साथ ले गया। वह था अरबपति का पुष्टि की गर्मजोशी से अपने छात्रों के चारों ओर अपने हथियार डाल दिए, क्योंकि वे धीरे धीरे प्राचीन समुद्र तट के साथ चलना जारी रखते थे। श्री रिले जारी रहा। यह वास्तव में द स्पेल बाइंडर था जिसने मुझे 5 AM विधि सिखाई। मैं एक युवा था जब मैं पहली बार उनसे मिला था। मैंने अभी अपनी पहली कंपनी लॉन्च की है। मुझे किसी का मार्गदर्शन करने, मुझे चुनौती देने और एक उद्यमी के रूप में एक शिखर प्राप्त करने वाले और एक नेता के रूप में विकसित करने के लिए किसी की आवश्यकता थी। सभी ने कहा कि वह अब तक दुनिया का सबसे अच्छा कार्यकारी कोच था। उनके पास 3 साल की प्रतीक्षा सूची थी, इसलिए मैंने उसे हर दिन बुलाया जब तक कि वह मेरे संरक्षक बनने के लिए सहमत नहीं हुआ। वह बहुत कम उम्र का था फिर भी, लेकिन उनकी शिक्षाओं में ज्ञान की गहराई, शक्ति की शुद्धता और एक सरल प्रभाव था जो उनकी उम्र के लिए उल्लेखनीय रूप से उन्नत था। और जल्दी बढ़ते अनुशासन ने मदद की। कलाकार टूट गया, अरबपति कलाकार मुस्कुराया और चलना बंद कर दिया। यह एक अभ्यास था जो बदल गया था और उन्नत प्रत्येक अन्य अभ्यास। शोधकर्ता, अब इस तरह के मूल व्यवहार को कहते हैं जो आपके अन्य सभी नियमित पैटर्न को कोस्टिन आदर के साथ बनाने के लिए गुणा कर देता है। इसे एक गहन तंत्रिका मार्ग के रूप में वायरिंग ने कुछ प्रयास किए। रास्ते में थोड़ी सी पीड़ा और मुझमें सबसे मजबूत प्रतिबद्धता, मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगा। इस दिनचर्या को स्वचालित करने की प्रक्रिया के दौरान कुछ दिन थे जब मैं पागल था। ऐसे दिन जब मेरा सिर जैक हैमर की तरह फूला हुआ था और सुबह जब मैं सोता रहना चाहता था। लेकिन एक बार जब मैं बंद कर दिया और नियमित रूप से सुबह 5 बजे उठना शुरू कर दिया तो मेरे दिन लगातार बढ़ रहे थे और जो मैंने कभी भी अनुभव नहीं किया है उससे कहीं बेहतर यह है। किस तरह, दोनों श्रोताओं ने एक समान रूप में आश्चर्य व्यक्त किया। उद्यमी ने कलाकार की बाह
पर अपनी एक उंगली को प्यार से स्पर्श किया, जैसे कि यह सुझाव देने के लिए कि वे इस अनुभव में एक साथ थे, कि वे अब एक टीम थे और उनका दिल सबसे अच्छा था। कलाकार ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक कोमल मुस्कुराहट उभरी। अरबपति चला गया। घातीय परिवर्तन के इस समय में विचलित करने वाले और अति व्यस्त कार्यक्रम, सुबह 5 बजे उठना और सुबह का शासन चलाना, स्पेलबिंडर ने मुझे सिखाया कि मैं औसत रूप से मारक था। मेरी सुबह में कोई और अधिक भीड़ कल्पना करे कि अकेले वह आपके दिन की गुणवत्ता के लिए क्या करता है। अपने दिन की शुरुआत केवल सुबह के समय ही शांत वातावरण में करें। अपने दिन की शुरुआत मजबूत और केंद्रित और मुक्त महसूस कर रही है। मैंने पाया, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा था, मेरा दिमाग नाटकीय रूप से केंद्रित हो गया। प्रत्येक महान कलाकार, चाहे हम एक चैंपियनशिप एथलीट के बारे में बात कर रहे हो या एक शीर्ष स्तरीय कार्यकारी, एक प्रसिद्ध वास्तुकार या एक प्रतिष्ठित सेलिसिस्ट, ने लंबे समय तक निर्बाध अवधि के लिए अपने विशेष कौशल को अनुकूल करने पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित की है। यह क्षमता उन विशेष कारकों में से एक है जो उन्हें ऐसी दुनिया में ऐसे उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम उत्पन्न करने की अनुमति देता है, जहां आप बहुत से लोग अपने संज्ञानात्मक बैंडविड्थ को पतला करते हैं और अपने ध्यान को खंडित करते हैं, खराब प्रदर्शन और साधारण उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं। जब निराशाजनक मध्यस्थता के प्रमुख जीवन, मैं निश्चित रूप से सहमत हूं, कलाकार ने संकेत किया, इन दिनों किसी को अपनी कला पर ध्यान केंद्रित करना, कई घंटों तक ध्यान केंद्रित करना दुर्लभ है। स्पेलबिंडर सही था जब अपने सत्र में मैंने उन्होंने लोगों को अपने उपकरणों और साइबर लाश के आदि कहा। मैं उन्हें रोज देखता हूँ, ऐसा लगता है कि वे अब असली इंसान नहीं है, रोबोट की तरह उनकी स्क्रीन से चिपके हुए उपस्थित नहीं और जीवन के लिए आधा जीवित हैं। मैं आपको सुनता हूँ, अरबपति ने कहा। व्याकुलता से सुरक्षा ठीक उसी तरह है जब आपके अपने क्षेत्र पर हावी होने और अपने शिल्प में जीतने के बारे में गंभीर होने की आवश्यकता। न्यूरोसाइंटिस्ट इस चरम मानसिक स्थिति को कहते हैं जिसे हम बोल रहे हैं, जहां हमारी धारणा बढ़ जाती है और मूल विचारों के लिए हमारी उपलब्धता बढ़ जाती है और हम प्रसंस्करण शक्ति के सब नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। प्रवाह और सुबह 5 बजे उठकर द फ्लो स्टेट को जोरदार तरीके से बढ़ावा देते हैं। ओ, और दिन के समय से पहले उठकर, जबकि आपके आसपास लगभग हर कोई सो रहा होगा, मेरी रचनात्मकता भी बढ़ जाती है। मेरी ऊर्जा निश्चित रूप से 2 गुनी हो गई है। मेरी उत्पादकता निश्चित रूप से 3 गुना हो गई है। मेरी, तुम गंभीर हो, उद्यमी बाधित इस विचार के साथ अपने आकर्षण को शामिल करने में असमर्थ की एक बेस्पोक सुबह की दिनचर्या की ओर एक सरल बदलाव पूरी तरह से एक मानव जीवन का फिर से व्यवस्थित करता है। पूर्ण रूप से ईमानदारी मेरे व्यवसाय में मेरे सभी वर्षों के लिए एक मुख्य दोषी रही है। कुछ भी नहीं धड़कता। हर रात एक कमजोर विवेक और एक गड़बड़ मुक्त दिल के साथ मेरे खेत के लड़के की प्रकृति का हिस्सा है। मुझे लगता है कि अरबपति मनाया। अचानक उद्यमी के फोन ने तत्काल आने वाले संदेश के आने का संकेत दिया। बहुत अफसोस, मैंने अपनी टीम से कहा कि मुझे यहाँ ना बुलाएं। मैं उनके साथ स्पष्ट था। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि वे मुझे अब क्यों परेशान कर रहे हैं, उसने कहा जैसे ही उसने स्क्रीन पर देखा। सभी कैप्स में निम्नलिखित स्पष्ट शब्द दिखाई दे गए, कंपनी छोड़ दो या एल्स यू डाई। उद्यमी ने उसके फोन के साथ छेड़छाड़ की, फिर उसने गलती से इसे रेत में गिरा दिया। जल्द ही वह हवा के लिए हांफ रही थी। क्या हुआ,
कलाकार ने जल्दी से पूछो। संवेदन परेशानी। अपने दोस्त के चेहरे से खून बहता देख और उसके हाथ कांपते हुए उसने बड़ी तीव्रता और यहाँ तक कि उच्च सहानुभूति के साथ दोहराया, क्या हुआ? अरबपति भी चिंतित दिखाई दिया। तुम ठीक तो हो ना? क्या आपको कुछ पानी या कुछ और चाहिए? मुझे सिर्फ मौत की धमकी मिली से मेरे निवेश को। वे मेरी फर्म चाहते हैं। वो है मुझे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे पास बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा है कि अगर मैं नहीं चलूंगा तो वे मुझे मार देंगे। इसके तुरंत बाद अरबपति अपने द्वारा पहने जाने वाले धूप के चश्मे को उतारकर उनके हवा में लहराते हुए चक्कर लगाते हैं। बाद में ताड़ के पेड़ों के उन पनपने के पीछे से ईयरपीस और राइफलों के साथ दो बड़े लोग स्टेरॉयड के लिए एक साइकिल चालक के रूप में तेजी से समुद्र तट के लिए नीचे झिकड़े। बॉस तुम ठीक हो? दो बड़े आदमियों में से दसियों ने पूछा। हाँ, उनकी सुरक्षा विस्तार के लिए आश्वस्त और शांत उतर गया। लेकिन मैं आपको यह देखने के लिए तुरंत दो की जरूरत है कि अगर आपके लिए ऐसा करना मेरे लिए अच्छा है तो उन्होंने कहा कि जैसा कि उन्होंने उद्यमी को देखा था, मैं आपको इसे दूर करने में मदद करता हूँ। अरबपति ने जब खुद को कुछ दिया पर कबूतर की एक उड़ान के साथ बढ़ गया। जरूर हाँ, मैं कुछ मदद की सराहना करता हूँ, बिजनेस वूमन ने जवाब दिया। उसकी आवाज अभी भी हिल रही है और उसके माथे पर दिखाई दे रहे पसीने के मोती वह क्षेत्र जहां सभी घटते थे। यह हमारे साथ छोड़ दो, अरबपति घोषित किया। फिर उन्होंने अपने संरक्षण के लिए लोगों से बात की कि विनम्रता से अभी तक प्राधिकरण का निर्विवाद हवा के साथ लगता है कि यहाँ मेरे मेहमान को कुछ ठगों द्वारा उसके उद्यम पर कब्जा करने की उम्मीद से गंभीरता से परेशान किया जा रहा है। कृपया पता करें कि वे क्या किया जा रहे हैं और फिर मुझे आपके समाधान के साथ प्रस्तुत करें। चिंता मत करो, उसने उद्यमी से कहा, मेरे लोग व्यवसाय में सर्वश्रेष्ठ हैं, यह कोई समस्या नहीं होगी। श्री रेले ने इस अंतिम वाक्य को इस तरह स्पष्ट किया कि प्रत्येक शब्द पर जोर दिया गया। शक्तिशाली प्रभाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उद्यमी ने जवाब दिया। बहुत राहत मिली, कलाकार ने उसके हाथ को कोमलता से पकड़ लिया। ठीक है, अगर मैं जारी रखूं, अरबपति ने अनुरोध किया, कि सूरज ग्लैमरस उष्णकटिबंधीय बन आकाश में ऊंचा उठे। उनके मेहमानों ने सिर हिलाया। एक अटेंडेंट त्रुटिहीन रूप से एक झोपड़ी से निकला जो समुद्र तट पर ऊपर बैठी थी। उसे सफेद ट्रिम के साथ हरे रंग में रंगा गया था। जल्दी सहयोगी सबसे अमीर सबसे स्वादिष्ट कॉफी परोस रहा था जो उद्यमी और कलाकार ने अपने जीवन में प्राप्त किया था। एक अटेंडेंट त्रुटिहीन रूप से एक झोपड़ी से निकला जो समुद्र तट पर ऊपर बैठी थी। इसे सफेद ट्रिम के साथ हरे रंग में रंगा गया था। जल्दी सहयोगी सबसे अमीर सबसे स्वादिष्ट कॉफी परोस रहा था जो उद्यमी और कलाकार ने जीवन में प्राप्त किया था। हर सुबह मॉडरेशन में सेवन करने पर शानदार संज्ञानात्मक बढ़ने वाला अरबपति को बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वह दूर था और यह एंटीऑक्सीडेंट के साथ पैक किया जाता है, इसलिए कॉफी उम्र बढ़ने को धीमा कर देती है। वैसे भी हम कहाँ थे? मैं आपको उस भयानक लाभ के बारे में बता रहा था जो 5 AM क्लब में शामिल होने के बाद मेरे पास आया और सुबह की कार्य प्रणाली द स्पेल बेंडर ने मुझे बताई। इसे द 20-20-20 फॉर्मूला कहा जाता है और मुझ पर भरोसा करें, एक बार इस अवधारणा को अकेले सीख लें और फिर इसे दृढ़ता अपनी उत्पादकता समृद्धि प्रदर्शन के साथ लागू करें और प्रभाव तेजी से बढ़ेगा। मैं एक अनुष्ठान है कि मेरी सफलता में योगदान दिया है और नहीं सोच सकते हैं
कि अच्छी तरह से किया जा रहा है। मैं अपने व्यवसाय के करियर में जो हासिल करने में सक्षम रहा हूँ उसके बारे में मैं बहुत कम हूँ। मैंने हमेशा चरित्र के एक बड़े दोष के रूप में डिंग मारते देखा है। एक व्यक्ति जितना अधिक शक्तिशाली होता है उसे उतना ही कम बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है, और एक नेता जितना मजबूत होता है उसे घोषणा करने की उतनी ही कम आवश्यकता होती है। स्पेलबिंडर ने इस पर थोड़ी बात की कि आप क्या हासिल कर पाए हैं। उद्यमी ने कहा, अब और भी अधिक आराम मिलेगा, और सम्मेलन में अपने जिस जंगली तरीके से कपड़े पहने हैं वह निश्चित रूप से इसकी पुष्टि करता है। कलाकार का रोका, एक सनसनी निजी मुस्कुराहट दिखाई दी जो उस दिखाई दी टूटे हुए दांत। रोज सुबह 5 बजे उठना मुख्य निजी प्रथा जो कि अधिकांश होती है मुझे एक दूरदर्शी विचारक बनने की अनुमति देती है। एक दुर्जीय आंतरिक जीवन को विकसित करने के लिए मुझे एक चिंतनशील स्थान दिया गया। अनुशासन ने मुझे अल्ट्रा फिट बनने में मदद की। सभी सुंदर आय में वृद्धि के साथ साथ जीवन शैली में भी वृद्धि हुई जो बेहतर स्वास्थ्य के साथ आती है। जल्दी उठने ने भी मुझे एक बहुत बढ़िया नेता बना दिया, और इसने मुझे खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में विकसित करने में मदद किया। यहाँ की जब प्रोसेस्ड कैंसर ने मुझे तबाह करने की कोशिश की तो यह मेरी सुबह का दिनचर्या था जिसने मुझे प्रेरित किया। यह वास्तव में था मैं एक आगामी पाठ में 2020-20 फॉर्मूला में जाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि वास्तव में क्या करना है, ताकि आप पहले पल से उठने वाले अद्भुत प्रमाण परिणाम प्राप्त कर सकें। आप बिल्लियों को आने वाली जानकारी की शक्ति पर मूल्य पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं तुम दोनों के लिए बहुत उत्साहित हूँ। स्वर्ग में स्वागत है, और बेहतर जीवन के लिए पहले दिन का स्वागत है। उस साल मॉरिशियस में उद्यमी उस साल ज्यादा सुकून से सोया। धमकी मिलने के बावजूद उसे अरबपति के संक्षिप्त निर्देश, प्राकृतिक सेटिंग की भव्यता, स्वच्छ महासागर की हवा की शुद्धता और कलाकार के लिए उसके बढ़ते हौसले के कारण उसे अपनी कई चिंताओं को दूर करने का मौका मिला, और शांत होने की अवस्था को फिर से खोज लेना जब से वह दूर करने का मौका मिल गया था और शांत होने की अवस्था को फिर से खोज लेना जब से वह भूल गया था। फिर ठीक 3:33 बजे उसने अपने दरवाजे पर एक तेज धमाके की आवाज़ सुनी। वह जानती थी कि यह इस बार है क्योंकि उसने अलार्म घड़ी को देखा। स्टाइलिश गेस्ट हाउस में लकड़ी की रात की मेज पर उसके मेजबान ने उसके रहने की व्यवस्था की थी। उद्यमी ने माना कि यह कलाकार था, शायद जेट लेग या स्लीपलेस के साथ उत्कृष्ट। अभी तक बड़े रात्रि भोज के बाद वे एक साथ आनंद ले रहे थे बिना यह पूछे कि वह कौन था। उसने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। नमस्कार, उसने एक भरे हुए आकाश की घोषणा की। लहरें धीरे धीरे उसकी झोपड़ी के पास समुद्र के किनारे से टकराती थी, और हवा में गुलाब, धूप और चंदन की गंध का पता लगाया जा सकता था। यहाँ किसी को भी शांति, उद्यमी ने ध्यान से दरवाजा बंद कर दिया। इस बार उसने ताला लगाया जैसा कि उसने अपने बिस्तर पर वापस फेर लिया था जो मिस्र से आदिशक्तित था। कार्टन और अंग्रेज लेने दरवाजे पर 3 शक्तिशाली दस्तक दी। हाँ, उद्यमी को रोया, अब चिंतित। हाँ, हमारे पास सुबह की कॉफी का ऑर्डर है मैडम, एक कर्कश आवाज ने उत्तर दिया। उद्यमी का चेहरा फिर से दरारे से भीड़ गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, वह गहराई से व्यथित हो गई, और उसका पेट ओलप्स के रूप में कोबर से भरा हुआ था। वे मुझे इस अखरोट के घंटे पर काफी ला रहे थे, अश्वसनीय। यह गेस्ट हाउस के सामने लौटी ताला खोल दिया और सामने का दरवाजा खोलकर रुक गई। एक असंतुष्ट गंजे सिर और एक आंख से संयुक्त से बाहर लग रही थी। एक व्यक्ति मुस्कुरा रहा था। उन्होंने लाल विंड ब्रेकर और डेनिम शॉर्ट्स पहने थे
जो उनके घुटने के ठीक नीचे थे। उसके गले में नीले रंग की स्ट्रिंग का एक पतला टुकड़ा था। इसमें से एक व्यक्ति के चेहरे पर प्लास्टिक लेमिनेट तस्वीर थी। उद्यमी ने अंधेरे में चेहरे को एक अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए स्क्विट किया और जैसा कि उसने किया था, उसने एक बड़े आदमी की छवि देखी। एक वह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि एक वह बहुत प्यार करती थी। एक वह काफी चूक गई। जिस प्लास्टिक में वह पड़ रही थी वह तस्वीर उसके मित्र पिता के तुम कौन हो, भयभीत उद्यमी चिल्लाया। आपको कैसे मिला यह तस्वीर? मुझे आपको व्यापारिक ठेकेदार द्वारा भेजा गया है। हम आपके बारे में जानने के लिए सब कुछ जानते हैं। सब कुछ? हमने आपके सभी प्रत्यागित डेटा को ट्रैक कर लिया है। हमने आपकी सभी फाइलें हैक कर ली हैं। हमने आपके पूरे इतिहास की जांच की है। विंड ब्रेकर एक गंजा आदमी अपनी बेल्ट के सामने तक पहुंच गया और एक चाकू निकाला जो उद्यमी के पतले और विशेष रूप से गले के कुछ इंच के भीतर ले आया। अब कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। हमारे पास आप पर केंद्रित एक पूरी टीम है जो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना जा रही है। अभी तक इस बारे में मेरे काफी सारे लोगों से बात हो चुकी है। आपको एक व्यक्ति संदेश देना है। अपनी कंपनी छोड़ दो, अपनी इक्विटी छोड़ दो और अलविदा कहना। यह आप इस ब्लेड के अपने गले में डाल लें। जब तुम सबसे कम उम्मीद रखोगे, जब आप सोचते हैं कि आप सुरक्षित हैं, हो सकता है कि आपके साथ इस चुलबुले चित्रकार का मित्र हो। आदमी ने चाकू को दूर खींच लिया और उसे अपने बेल्ट के नीचे रख लिया। एक अच्छी रात है मैडम, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे पता है कि हम जल्दी ही एक दूसरे को दिखेंगे। फिर वह आगे पहुंचा और एक स्लैम के साथ दरवाजा बंद कर दिया। बुरी तरह से हिल रहा उद्यमी अपने घुटनों पर गिर गया। हे भगवान, मेरी मदद करो। मैं इसे और नहीं ले सकता। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। दरवाजे पर तीन और हमले हुए। ये जेंटलर था। अरे, यह मैं हूँ, कृपया दरवाजा खोलें। दस्तक ने उद्यमी को चौंका दिया और उसे जगाया। दोहन जारी रहा। उसने अपनी आंखें खोली। हल्के फुल्के कमरे के चारों ओर सहमी हुई महसूस किया कि वह एक पूरे सपने में फंस गई है। व्यवसायी अपने बिस्तर से उठी। चौड़ी चौड़ी ओक की मंजिल के पार जाकर उसने सामने का दरवाजा खोला। यह जानकर कि उसकी परिचित आवाज सुनकर वह कलाकार था। मैं सिर्फ सबसे पागल सपना था, उद्यमी ने कहा। एक क्रूर आदमी ने यह दिखाया कि उसके गले में प्लास्टिक का एक टुकड़ा था जिसमें मेरे पिताजी की तस्वीर थी, और अगर मैंने निवेशकों को अपनी फर्म नहीं दी तो मुझे चाकू से मारने की धमकी दी। तुम अब ठीक हो? कलाकार ने धीरे से पूछा। मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने एक असामान्य सपना देखा था, कलाकार ने समझाया। मैं उसके बाद सो नहीं सका। यह मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहा है। मेरी कला की गुणवत्ता, मेरी विश्वास प्रणाली की गहराई, मेरे बहाने की मूर्खता, मेरी निंदा का रवैया, मेरा आक्रामकता, मेरी आत्म तोड़फोड़ और मेरी अंतहीन शिथिलता। मैं आपके दैनिक दिनचर्या का विश्लेषण कर रहा हूँ और मैं अपना शेष जीवन कैसे व्यतीत करूँगा। अरे, तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक हो? कलाकार ने फिर से सवाल किया, यह महसूस करते हुए कि वह अपने बारे में बहुत कम बात कर रहा था और अपने चिंतित साथी के साथ सहानुभूति नहीं रख रहा था। मैं ठीक हूँ। बेहतर है कि आप यहाँ हैं। पक्की बात? हाँ, पक्की बात। मैंने आपको याद किया, कलाकार ने कहा। क्या आपको बुरा लगा अगर मैं आपको अपने सपने के बारे में बताऊं? आगे बढ़ो, उद्यमी ने प्रोत्साहित किया। ठीक है, मैं एक छोटा बच्चा था स्कूल में और हर दिन मैं बहाना करता था। मैं दो चीजें करता था, एक विशाल और एक समुद्री डाकू। दिन भर मुझे विश्वास था कि मेरे पास एक चीजें थी, एक विशाल विश्वास विशालकाय और एक समुद्री डाकू का नियम तोड़ने वाला स्वैगर है।
मैंने अपने शिक्षकों को बताया कि मैं ये दो चरित्र थे और घर पर मैंने अपने माता पिता को भी यही बात बताई। मेरे शिक्षक मुझ पर हंसते थे और मुझे नीचे रख दिया करते थे, मुझे और अधिक यथार्थवादी होने के लिए कहा, अन्य बच्चों की तरह व्यवहार करने के लिए और मेरे सभी हास्यास्पद सपने को रोकने के लिए। तुम्हारे माता पिता ने क्या कहा? क्या वे आपके प्रति दयालु थे? उद्यमी से पूछा गया। अब सोफे पर बैठे उसके पैरों के साथ एक योग मुद्रा में पार कर गया। मेरे शिक्षकों के समान उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक विशाल नहीं था और यह कि मैं निश्चित रूप से समुद्री डाकू नहीं था। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं एक छोटा लड़का था और मुझे बताया कि अगर मैंने अपनी कल्पना को सीमित नहीं किया तो अपनी रचनात्मकता को स्थिर कर अपनी कल्पनाओं को समाप्त कर दूंगा, वह मुझे दंडित करेंगे। तो क्या हुआ? मैंने वह नहीं किया जो मुझे करने के लिए कहा गया था। मैं अंदर गया था, मैंने व्यस्कों को दृष्टिकोण में खरीदा, मैंने खुद को ग्रैंडर की बजाय टीनियर बनाया है, इसलिए मैं एक अच्छा लड़का बनूंगा। मैंने अपनी आशाओं, उपहारों और शक्तियों को अपने अनुसार ढालने की कोशिश में दम तोड़ दिया, जैसे ज़्यादातर लोग अपने जीवन को हर एक दिन करते हैं। मैंने महसूस किया कि मैं महसूस करना शुरू कर रहा हूँ कि हम अपनी प्रतिभा से कितना सम्मोहित किए गए हैं और हमारी प्रतिभा से बाहर निकाल दिया गया है हमें। स्पेलबिंडर और अरबपति सही हैं। मुझे अपने सपने के बारे में अधिक बताएं, उद्यमी ने आग्रह किया। मैंने खुद को सिस्टम में ढालना शुरू किया है, मैं अनुयायी बनने लगा। मुझे अब विश्वास नहीं हुआ कि मैं एक विशालकाय रूप में शक्तिशाली था और एक समुद्री डाकू के रूप में स्वैशबकिंग। मैंने झुंड के साथ भेड़चाल की, हर किसी की तरह बन गया। आखिरकार मैं एक ऐसे शख्स के रूप में विकसित हुआ जिसके पास पैसा नहीं था, जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी। मुझे उन लोगों को प्रभावित करने की जरूरत नहीं थी जिन्हें मैं पसंद नहीं करता था। जीने का कितना घटिया तरीका, मैं उस व्यवहार में कुछ भी करता हूँ, उद्यमी ने स्वीकार किया। मैं अपने बारे में बहुत कुछ सीख रहा हूँ। इस बहुत ही अजीब और बेहद उपयोगी यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे एहसास होने लगा कि मैं कितना सतही हो गया हूँ। मैं अपनी स्वार्थी हूँ, मैं अब भी स्वार्थी हूँ, और मेरे जीवन में मेरे लिए कितनी अच्छी चीज़ें हैं। दुनिया के बहुत से लोग मेरे पास मौजूद सभी आशीर्वादों का अनुभव करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको मिल गया है, कलाकार ने कहा, तो मेरे सपने में एक मुनीम बन गया। मैंने शादी की और एक परिवार एकत्रित किया। मैं एक सबडिविजन में रहता था और एक अच्छी कार चलाई। मेरा जीवन काफ़ी अच्छा था, कुछ सच्चे दोस्त भी थे, काम जो मेरे बंधक का भुगतान किया और एक वेतन जो मेरे बिलों को संभाल लिया। लेकिन हर दिन एक ऐसा दिखता था, धूसर बनाम ज्वलन, करामाती के बजाय बोरिंग। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, बच्चों ने अपने जीवन को जीने के लिए घर छोड़ दिया, मेरा शरीर वृद्ध हो गया और मेरी ऊर्जा गिर गई, और दुर्भाग्य से मेरे सपने में मेरी पत्नी का निधन हो गया। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरी आंखों की रोशनी कम होने लगी, मेरी सुनवाई फीकी पड़ने लगी और मेरी याददाश्त बेहद कमज़ोर हो गई। यह मुझे दुखी कर रहा है, उद्यमी ने आवाज़ दी, कमज़ोर लग रहा है। और जब मैं वास्तव में बूढ़ा हो गया तो मैं वास्तव में भूल गया कि मैं कहाँ रहता था, अपने नाम को याद नहीं कर सका और इस बात का सभी अर्थ खो दिया कि मैं किस समुदाय में था। लेकिन इसे भूल जाओ, मुझे याद आने लगा कि मैं वास्तव में कौन था, एक दानव और एक समुद्री डाकू। सही, बिल्कुल सही, कलाकार ने जवाब दिया। सपना ने मुझे समझाया कि अब और कमाल का काम नहीं कर सकता। मैं अपनी सेहत, अपनी खुशी, अपना आत्मविश्वास, यहाँ तक कि अपनी लव लाइफ को भी बेहतर नहीं बना सकता। वास्तव में, उद्यमी को आश्चर्यचकित किया। वास्तव में, कलाकार ने जवाब दिया। वह फिर आगे पहुंचा
और उसके माथे को चूमा। यहाँ तक यह बुक पढ़ने के लिए या फिर यहाँ तक यह बुक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे रामा, हरे रामा।